हरियाणा रोडवेज की बस चंडीगढ़ तो फतेहाबाद जा रही थी कि उसके अगे चल रहा नौजवान जो मोटरसाइकिल चला रहा सी उसकी रफ ड्राइविंग सी कदे मोटरसाइकिल नू अगे करदा सी कदे पिछे करदा सी। कंडक्टर वालों खानेवाल के नज़दीक जाके उसनू कहा गया कि तुसी गलत ड्राइविंग कर रहे हो जिस कारण कोई हादसा भी हो सकता है। बस इन्नी ही गल कहण दी देर सी कि उसने अपने कुछ साथी बुला ले ते ड्राइवर अते कंडक्टर दी जम के कुटमार कीती ते इह सारी घटना कैमरे दे विच रिकॉर्ड हो गई। चंडीगढ़ से हम निकले हैं जी 12:40 पे और पटियाला से निकले हैं हम जी 2:35 पे और पातड़ा से 4 बजे निकले हैं जी। तो जैसे हम पातड़ा बस स्टैंड से निकले हैं और मुनक बुलाडा रोड पे जैसे बस मुड़ी और पातड़ा शहर से एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा था, रफ मोटरसाइकिल चलाने लग रहा था, एक हाथों से जैसे बालों को ऐसे और दूध की थैली रे एक हाथ से हैंडल पकड़ रखा था। ड्राइवर ने ब्रेक मारी, अचानक बस वाले ने रुकाया, भाई साहब थोड़ा ध्यान से चला लो मोटरसाइकिल। हाँ, तो उसने मोटरसाइकिल वाले ने माँ बहन की ड्राइवर को गाली दी। उसके बाद बोला भी तू जैसे गाली गुली नाम नहीं लेना चाहता क्या क्या गाली दी है और माँ बहन की गाली दे के बोले तू अगे आ जा तेनू देखने। तो उसने मोटरसाइकिल वाले ने मोटरसाइकिल सड़क के बीच में रखा दी बस के आगे, बिल्कुल ना बस को साइड इधर से दे ना इधर से दे। पूरे 10 किलोमीटर खाने वाला आया ना, उसने वहाँ ब्रेक लिए, बस रुकी है और मेरे साथ 5-7 सवारी उतरी। उन्होंने पूछा भाई साहब क्या दिक्कत है, उनको सवारियों को देख के मैं भी नीचे उतरे, बोले भाई साहब बताओ सी क्या दिक्कत है। उन्होंने कुछ नहीं देखा, मेरी वर्दी फाड़ दी और 4-5 आदमी वहाँ उसने फ़ोन किया वहाँ खड़े थे जी, उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया जी। ये हमारे ड्राइवर हैं जी, इनका नाम है सुनील कुमार जी। सुनील जी ये घटना हुई, आप गाड़ी चला रहे थे? हाँ जी सर। तो किस तरह मतलब रफ ड्राइविंग कैसी थी मोटरसाइकिल वाले की? रफ ड्राइविंग इस तरह थी जी, मैंने अपनी गाड़ी मुड़क रोड पे मोड़ी है तो वो अपने एक हाथ से स्टेयरिंग पकड़े हुआ आता है और मैंने उसको ये बात बोली भी अपने मोटरसाइकिल ध्यान से चलाओ। तो उसने मेरे बात विवाद हुआ, इसी बात पे विवाद हुआ तो वो की आपके साथ उन्होंने। हाँ, अब आपने पुलिस को बयान दर्ज करवा दिए अपना? हाँ जी, बयान दर्ज हो गया। तो क्या चाहते हैं आप, कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए साहब। पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं, इसे इनके बयान दर्ज कर रहे हैं। किस तरह कल शाम तो अब तक की तहकीकात है, उधर इन्हें की मांग सी भी जड़ा इन्होंने हमला किया है बंदे, अभी तक कोई अरेस्ट हुई है, मामला दर्ज है उन्होंने खिलाफ? नहीं जी, बयान लिख रहे हैं जी, पड़ताल करके सानू इन्होंने मोटरसाइकिल नंबर ते गड्डी नंबर दिता गा, वो ट्रेस करके जिसका भी होते बनती कानूनी कार्रवाई उसमें मुकदमा रजिस्टर किया जाएगा। होएगा मुकदमा दर्ज? हाँ जी हाँ जी। कितने बंदे बताए इन्होंने भी हमला करे इनके ऊपर? ये बंदे का 3-4 बंदे गड्डी से दसते सी, एक बंदा मोटर, 5-6 बंदे दसते हैं। ट्रैफिक जाम कितने टाइम रहा उत्थे? तकरीबन 2 घंटे लगे नहीं।